हेलो दोस्तों, मैं आकाश सर कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बाल विकास से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे जो हमारे शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वैसा ही कुछ सीरीज अब फिर से लेकर के आया हूं। कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके आगामी शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है, तो चलिए फिर आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। ठीक है, जब मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी तो मनोविज्ञान की शुरुआत में सबसे पहले जो अध्ययन किया जाता था उस अध्ययन को बोला जाता है आत्मा का अध्ययन। लेकिन एक टाइम बीता और बीतने के बाद जैसे वाटसन जैसे लोग आए जो व्यवहारवाद पर बल दिए, तो इनके समय को आधुनिक मनोविज्ञान के नाम से जाना गया। और ये लोग जो अध्ययन किए वो किस चीज का अध्ययन किए, व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, तो इसीलिए आधुनिक मनोविज्ञान में किस चीज का अध्ययन किया जाता है या आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, तो क्या आएगा इसका आंसर, व्यवहारवाद का अध्ययन। ठीक है, जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, व्यवहारवाद का। लेकिन अगर मनोविज्ञान के अध्ययन में शुरुआत की बात किए तो करें तो हम लोग किसका अध्ययन करते थे, आत्मा का अध्ययन हम लोग करते थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान बोल रहा है इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, व्यवहारवाद का अध्ययन। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, विकास के संबंध में गलत तथ्यों को चुनिए। ठीक है, विकास के संबंध में गलत तथ्यों को चुनिए, तो इसमें गलत क्या है, उस चीजों को क्या करना है, हमको चुनना है। विकास एक क्रम में होता है, अचानक नहीं होता है, एकांकी होता है या दूसरा चरण पहले पर आधारित होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं विकास में क्या, एक प्रगतिशील होता है, दूसरा क्या होता है, विकास जो होता है वो उसमें क्रमबद्धता पाई जाती है। क्रमबद्धता कहने का मतलब विकास क्या होता है, एक क्रम से होता है। ठीक है, क्रमबद्धता होता है मतलब विकास एक क्रम से होता है, विकास कभी भी अचानक नहीं होता। अचानक नहीं होता कहने का मतलब विकास एक क्रम में होता है। जैसे कि कोई भी बच्चा पहले क्या करता है, घुटनों के बल चलना शुरू करता है, घुटनों के बल चलने के बाद ही बच्चा क्या करता है, बैठना खड़े होना शुरू करता है, खड़े होने के बाद क्या शुरू करता है, फिर वो चलना शुरू करता है, और चलना शुरू करने के बाद क्या करता है, वो दौड़ना शुरू करता है। हम लोग बोल सकते हैं विकास एक क्रम में होता है, जैसे पहले किसके बल चलना शुरू करता है, घुटने के बल, उसके बाद क्या करता है वो खड़े होना सीखता है, खड़े होना सीखने के बाद क्या करता है वो चलना सीखता है, और चलना सीखने के बाद क्या करता है वो दौड़ना सीखता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, विकास एक क्रम में होता है। ठीक है, पहले घुटने के बल सबके साथ ऐसा ही होता है, उसके बाद खड़े होना, फिर चलना, और उसके बाद फिर दौड़ना। विकास अचानक नहीं होता, अचानक नहीं होता कहने का मतलब जो दौड़ना है क्या ये अचानक हो गया, क्या अचानक नहीं होगा। दौड़ने से पहले तुमको चलना सीखना पड़ेगा, और चलने से पहले तुमको खड़े होना, और खड़े होने से पहले घुटने के बल चलना सीखना पड़ेगा। इसका मतलब है विकास अचानक नहीं होता, तो ये बात भी सही हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट है एकांकी होता है, मतलब एक पक्षी होता है। और चौथा पॉइंट है दूसरा चरण पहले पर आधारित होता है। विकास का दूसरा चरण कहने का मतलब ये खड़े रहना, तो खड़े रहना क्या है, पहले पर क्या होता है, आधारित होता है, घुटने के बल चलने पर आधारित है। वैसी यहां पर चलना सीखना, तो चलना सीखना किस पर आधारित है, खड़े रहने पर आधारित है, और दौड़ना सीखना किस पर आधारित है, चलने पर आधारित है। इस प्रकार विकास का जो अगला चरण होता है, दूसरा चरण होता है, वो क्या होता है, पहले पर आधारित होता है। तो ये वाला बात भी सही हो गया। ठीक है, इसका मतलब है एकांकी होता है, तो विकास कभी भी एकांकी नहीं होता, एक पक्षी नहीं होता। एकांकी का मतलब एक पक्षी, वृद्धि एकांकी होता है, विकास जो है वो सभी दिशाओं में होता है, व्यापक रूप में होता है। उसका सामाजिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, और संवेगात्मक रूप से भी विकास होता है। अर्थात विकास जो होता है एकांकी ना होकर के सभी पक्षों में होता है, इसीलिए इसका आंसर गलत कौन सा हो जाएगा, तीन। तो इसमें आंसर है कौन सा, सी, केवल तीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वृद्धि के संबंध में क्या गलत है, वृद्धि के संबंध में क्या गलत है। वृद्धि का स्वरूप बढ़ा होता है। ठीक है, वजन और ऊंचाई में वृद्धि, एक समय के बाद रुक जाता है। वृद्धि और विकास दो अलग आयाम हैं। ठीक है, तो वृद्धि का संबंध सीधा सीधा होता है किससे, शारीरिक विकास से। शारीरिक विकास से वृद्धि का संबंध होता है, तो शारीरिक विकास जब होता है, शरीर के जो अंग हैं, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, नाक हो, चेहरा हो, कोई भी चीज का अगर विकास हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो विकास हमको दिखता है, और दिखता है तो जाहिर सी बात है क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, बाहरी है। तो ये वाला आंसर जो होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। वृद्धि किसको बोलेंगे, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का मतलब वजन और ऊंचाई में ही वृद्धि को क्या बोला जाता है, इसी को वृद्धि बोला जाता है।
एक समय के बाद रुक जाता है, तो ये भी सही है। वृद्धि जो होता है वो किशोरावस्था, मतलब हम लोग ये मानते हैं कि जो परिपक्वता हासिल एक बार जब हो जाता है, ठीक है, तो वृद्धि क्या होता है, रुक जाता है। और परिपक्वता कब तक हासिल होता है, किशोरावस्था, इसीलिए किशोरावस्था के बाद जा करके वृद्धि जो है वो रुक जाता है। लेकिन वृद्धि और विकास दो अलग आयाम है, तो इसका आंसर क्या होगा, वृद्धि और विकास जो है वो दो अलग आयाम नहीं है। वृद्धि जो होता है वो विकास का ही क्या होता है, पहलू होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। विकास का ही एक अंग है कौन, वृद्धि, इसीलिए गलत हो जाएगा कौन सा, डी। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी, याद रखना इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी, क्योंकि गलत इसमें पूछा क्या गया है, वृद्धि के संबंध में क्या गलत है, तो गलत कौन है ये, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है, विकास का सही सिद्धांत नहीं है कौन सा, तो निरंतर विकास का सिद्धांत पहला, दूसरा परस्पर संबंध का सिद्धांत, तीसरा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, और चौथा व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता कहने का मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। हम लोग ने क्लास में पढ़ा है कि व्यक्तिगत सिद्धांत क्या होता है, व्यक्तिगत सिद्धांत हम लोगों ने विकास में पढ़ाई है, परस्पर संबंध का सिद्धांत कि सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ाई है, और निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये सब सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये जो विकास का सिद्धांत है वो सही सिद्धांत नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। सुमेलित कीजिए, इसमें देखिए, एक तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को दिया गया है, शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति जो है वो शैशवावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और बाल्यावस्था में पाया जाता है, इन चीजों के बारे में वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या चीजें पाई जाती है, तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। किशोरावस्था में शैशवावस्था है, शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, एक बच्चा है जो कहाँ है, शैशवावस्था में है, शैशवावस्था 0 से 2 साल, 0 से 2 साल के बच्चे में नैतिकता नाम का कोई चीज नहीं होता। कभी ऐसा देखे हो क्या, 0 से 2 साल या 1 साल का बच्चा जो है शैशवावस्था में है, जो अगर कोई बड़े आए तो उनको जा करके सीधा प्रणाम करना, ऐसे एकदम से छोटे बच्चे में देखे हो क्या, नहीं, ठीक है। तो नैतिकता का अभाव जो है वो कहाँ पाया जाता है, शैशवावस्था में पाया जाता है, तो ये तो सही हो गया, ठीक है, मतलब कौन सा हो गया, दूसरा का बी, ठीक है, तो दूसरा का बी ये वाला, प्रारंभिक बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाया जाएगा, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या पाया जाएगा, जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाएगी, ठीक है। तो पहला का कौन सा हो जाएगा, डी। किशोरावस्था में क्या किया जाएगा, किशोरावस्था में जटिल और कठिन परिस्थिति, तीसरा का ए, ठीक है, तो ये तीसरा का ए हो गया, दूसरा का बी हो गया, और ये प्रारंभिक अवस्था डी, डी किस में चले जाएगा, एक, तो ये पहला का डी, ठीक है, मतलब डी का एक, इसका ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो इसको मिलाना है, ठीक है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था किस में चले जाएगा, डी में, तो डी का कौन आ जाएगा, एक, तो डी का एक ये है। किशोरावस्था ये है, शैशवावस्था है, दूसरा कौन सा है, शैशवावस्था, तो दूसरे में कौन सा आ जाएगा, डी, मतलब कौन सा हो जाएगा, दूसरे में कौन सा हो जाएगा, नैतिकता का अभाव, तो ये आ जाएगा कौन सा, बी। किशोरावस्था जटिल व कठिन अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है, तीसरा का ए, ठीक है, तो ये तीसरा का ए, और चौथा का कौन सा हो जाएगा, बाल्यावस्था का तर्कसंगत विचार, बाल्यावस्था में ही क्या पाया जाता है, तर्कसंगत विचार पाया जाता है, समझ आ गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है, यहां तक के समझ आया। चलिए अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था के संबंध में विचार कीजिए, ठीक है, मतलब किशोरावस्था में क्या क्या चीजें होती है उसके संबंध में विचार कीजिए, ठीक है। तो जीवन का संधिकाल, पैतृक अंतर्द्वंद, अंतर्मुखी प्रवृत्ति और स्वयं पर विश्वास, इनमें से क्या चीजें किशोरावस्था में होती है और क्या चीजें किशोरावस्था में नहीं होती, इन पर विचार करना है। जब हम लोग बात करते हैं किशोरावस्था, तो किशोरावस्था को जीवन का संधिकाल कहा जाता है, ठीक है, किशोरावस्था को जीवन का संधिकाल कहा जाता है। किशोरावस्था में जो पैतृक अंतर्द्वंद होता है ये भी पाया जाता है, और किशोरावस्था में स्वयं पर विश्वास भी पाया जाता है। लेकिन जो अंतर्मुखी प्रवृत्ति होती है, अंतर्मुखी कहने का मतलब वो है
कि व्यक्ति जो होता है वो केवल अपने में ही खोए रहता है, अपने दिवा स्वप्नों में खोए रहता है। ऐसे व्यक्ति जो एक प्रकार से संकोची किस्म के होते हैं, जो ज़्यादा चिंता करते हैं, ठीक है, और अपने ही बारे में रहते हैं, किसी भी प्रकार से सामाजिक होने, मतलब एक प्रकार से असामाजिक व्यक्ति होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है। और ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये सेसवावस्था में अंतर्मुखी व्यक्तित्व पाया जाता है, ठीक है। तो ये किशोरावस्था की प्रवृत्ति नहीं है, किशोरावस्था में बहिर्मुखी व्यक्तित्व पाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी, अंतर्मुखी प्रवृत्ति। ये अंतर्मुखी प्रवृत्ति जो है वो किशोरावस्था में नहीं पाया जाता, ठीक है। बाकी तीनों चीज जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, किशोरावस्था में पाया जाता है। आगे सातवां, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है, नहीं करती है, ठीक है, ये लो, नहीं करती है, क्या बोल रहा है, पढ़ो पहले क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित नहीं करती है, तो इसका आंसर आएगा कौन सा, पीनियल ग्रंथि, ठीक है, इसका आंसर कौन सा आएगा, पीनियल ग्रंथि, क्योंकि बाकी जो तीनों ग्रंथि है, चाहे वो पिट्यूटरी ग्रंथि हो या एड्रिनल ग्रंथि हो या थायराइड ग्रंथि हो, तीनों के तीनों ग्रंथि व्यक्तित्व के विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। कैसे, जैसे कि एड्रिनल ग्रंथि हो गया, ठीक है, थायराइड ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि कहने का मतलब जो गले में जो होता है, ठीक है, जहां से आवाज, एक तो आवाज क्या होता है, यहां से परिवर्तन होता है, ठीक है, किशोरावस्था में जा करके जो बालक या बालिका का जो आवाज, जिसमें बालिका की आवाज़ जो है वो कोयल हो जाती है और बालक की आवाज़ जो होती है वो कर्कश हो जाती है, मोटे जैसी हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। तो वो थायराइड ग्रंथि के कारण ही होता है। किशोरावस्था में हार्मोन्स का क्या होता है, स्त्राव होता है, और हार्मोन्स रिलीज होने के कारण ही क्या होता है, उसमें थायराइड ग्रंथि का विकास होता है। तो थायराइड ग्रंथि के विकास के कारण ही जो बच्चे में चिंता, तनाव, संघर्ष, हम लोग पढ़ते हैं ना, तनाव का काल, संघर्ष का काल, चिंता जो चीज़ें होती है वो किसके कारण आती है, तो वो थायराइड ग्रंथि के कारण ही आती है। तो अगर चिंता तनाव आएगी तो जाहिर सी बात है व्यक्ति का विकास प्रभावित होगा, समझ आ गया। पीनियल ग्रंथि का भी जो संबंध होता है वो व्यक्ति के जागने और सोने से होता है, किससे होता है, जागने और सोने से। तो जागने और सोने का मतलब ये है कि वो होता है ना, पीनियल ग्रंथि जो होता है ये आंखों के रेटिना पर क्या होता है, जैसे प्रकाश का ज़्यादा रहना और कम रहना, जैसे होता है जब हम लोग सोते हैं तो रात में क्या करते हैं, पूरे लाइट को बंद कर देते हैं, जब पूरे लाइट को बंद कर देते हैं तो क्या होता है, अंधेरे में जो पीनियल ग्रंथि होता है वो मेलाटोनिन करके क्या करता है, एक हार्मोन का क्या करता है, रिसाव करता है, मेलाटोनिन हार्मोन का रिसाव, जिसकी वजह से अंधेरा होने पर क्या होता है, हमें नींद जल्दी आती है, नींद लगता है, ठीक है। तो इसका संबंध किससे है, जागने और सोने से, इसीलिए जागने और सोने का किसी भी प्रकार से व्यक्तित्व के विकास में संबंध नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि, ठीक है। आगे ये पिट्यूटरी जो ग्रंथि है ना, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें भी हार्मोन्स रिलीज होती है। तो जब हार्मोन्स रिलीज होता है तो क्या होता है, इसका संबंध, अगर हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज हुआ, ठीक है, तो व्यक्ति क्या होता है उसमें लंबा हो जाता है, और अगर हार्मोन्स कम रिलीज हुआ तो व्यक्ति क्या हो जाता है, उसमें बौना हो जाता है। तो इस प्रकार ये सारे जो ग्रंथि है वो क्या करते हैं, व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये जागने और सोने का संबंध जिस पीनियल ग्रंथि से है वो व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करती, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि। आगे चलते हैं, शिशु और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है, शिशु और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। तो जब भी शिशु की बात की जाएगी या छोटे बच्चे की समस्याओं के लिए जो विधि की बात की जाएगी उसका आंसर क्या आएगा, अवलोकन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवलोकन, ठीक है। आगे, उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण क्या है, तो उत्तर बाल्यावस्था का जो लक्षण है, ठीक है, उसमें पहला आंसर दिया है समय की संकल्पना, दूसरा हठी, वीर पूजा और सामाजिक संकल्पना। जब भी आप उत्तर बाल्यावस्था में जाते हो, तो उत्तर बाल्यावस्था स्कूल एज जिसको बोला जाता है, जब आप स्कूल एज में जाते हो तो लोगों के संपर्क में आते हो, जब आप लोगों के संपर्क में आते हो, विद्यालय जाते हो, तो वहाँ से आपका समाजीकरण एक प्रकार से होना शुरू होता है, इसीलिए जो उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, सामाजिक संकल्पना को, ठीक है। यहाँ से बच्चे के मन में सामाजिक संकल्पना जो है वो क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक संकल्पना। आगे, कोलबर्ग के सिद्धांत के स्तर पर, कौन से स्तर पर नैतिक विकास
बाह्य मानकों पर आधारित न होकर आंतरिक पर आधारित होता है, आंतरिकरण पर आधारित होता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के स्तर पर नैतिक विकास जो होता है वो बाह्य मानकों पर आधारित न होकर, ठीक है, मतलब बाहरी चीजों पर आधारित न होकर के आंतरिकरण पर आधारित होता है, ठीक है, आंतरिकरण पर आधारित। तो कौन से स्तर को बोला जा रहा है? पूर्व प्रचलन स्तर, ठीक है, पश्चिम, पश्च्य, ये पश्चिम नहीं है, पश्च्य है, ठीक है। तो पश्च्य प्रचलन स्तर, इसको क्या बोला जाएगा? पश्च्य, पश्च्य प्रचलन स्तर, परंपरागत स्तर, ठीक है, और कौन सा आ जाएगा? आज्ञानात्मक, और ये दंडात्मक है, दिशात्मक नहीं है, दंडात्मक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, दंडात्मक स्तर, ठीक है। तो आज्ञानात्मक और दंडात्मक स्तर, इन चारों स्तर में कौन से स्तर पर जो नैतिक विकास होता है वो बाहरी मानक, बाहरी मानकों, ठीक है, मतलब बाहरी सत्ता पर आधारित ना होकर के आंतरिकरण पर आधारित होता है। तो कोहलबर्ग के विकास की तीन अवस्था है, इसका क्या है? तीन अवस्था, जिसमें पहला है कौन सा? पूर्व परंपरागत, ठीक है, पूर्व परंपरागत, और एक कौन सा है? परंपरागत, ठीक है, परंपरागत, और परंपरागत के बाद एक कौन सा है? पश्च परंपरागत, पश्च यानी बाद का परंपरागत, ठीक है, परंपरागत। ये तीन अवस्थाओं में इसको हम लोग कोहलबर्ग जो है वो क्या किया है? बांटे हैं, ठीक है। तो पूर्व परंपरागत जो होता है यहां से बाहरी सत्ता पर आधारित होता है, बाहरी सत्ता पर आधारित चीजें, बाहरी सत्ता पर आधारित चीजें। और यहां पर जो बात की जाती है वो किस चीज की बात की जाती है? सजा और दंड की बात की जाती है, ठीक है। यहां पर जो बच्चे हैं, कोहलबर्ग का मानना है कि यहां पर जो बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो बाहरी सत्ता पर आधारित जो सजा और दंड है, बच्चे को लगता है कि माता पिता हमें क्या करना चाहिए? सही काम करना चाहिए, अगर हम कुछ भी गलत करते हैं तो माता पिता के द्वारा हमें क्या किया जाएगा? दंड दिया जाएगा। ये चीज़ों पर बच्चा क्या होता है? आधारित होता है। परंपरागत जो चीज़ें होती है, या इसी को रूढ़िगत बोला जाता है, जो चीज़ें पहले से निर्धारित होती है, ठीक है, जो चीज़ें बच्चे को लगता है कि माता पिता के अनुसार, माता पिता जो नियम कानून बता रहे हैं उन्हीं चीज़ों को हमको क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब वो चीज़ें पहले से ही निर्धारित है। जैसे कोई बड़े अगर घर में आते हैं तो माता पिता पहले से बता करके रखे रहते हैं कि बड़ों का क्या करना है, सम्मान देना है, पानी निकाल करके देना है, आते ही क्या करना है, पैर छूना है। ये चीज़ें पहले से निर्धारित होती है, जिससे बच्चा अगर उस काम को करता है तो बच्चे को लगता है कि हम माता पिता की नज़र में और दूसरों की नज़र में क्या है? एक अच्छा लड़का और अच्छे लड़की है, ठीक है। और जो पश्च परंपरागत स्तर होता है, कौन सा? पश्च मतलब उसके बाद वाला। तो यहां पर जो नियम कानून होते हैं वहां से उठ करके बच्चा स्वयं का नियम कानून बनाता है और अपने मानदंडों पर चलता है, और उसी को बोला जाता है कि वो अपने नियम कानून बना करके उसका क्या करता है? नियम कानून का आंतरिकरण करता है। इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पश्च परंपरागत अवस्था, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी, पश्च परंपरागत अवस्था, प्रचलन स्तर, ठीक है। आगे कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाएगा? देखो ये वाला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाएगा? मतलब कोहलबर्ग जो सिद्धांत दिया है उसका योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाएगा? तो इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता, मतलब जो उनका सिद्धांत है उसका संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, ठीक है। तो कोहलबर्ग जी का कहना है कि उनके सिद्धांत के अनुसार जो संज्ञानात्मक परिपक्वता होती है, मतलब जो नैतिकता होती है, जो नैतिक विकास होता है, उसका संबंध किससे होता है? संज्ञानात्मक परिपक्वता से होता है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास क्या करता है? उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो नैतिक विकास में सहायता प्रदान करता है। समझ आ गया? इसीलिए क्या होगा, उसका आंसर क्या हो गया? कि संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन है। कोहलबर्ग का कहना है कि नैतिक विकास में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो एक प्रकार से क्या करता है? उसको सहायता करता है, ठीक है। जितना अच्छा संज्ञानात्मक विकास होगा उतना ही अच्छा क्या होगा? नैतिक विकास होगा। जितना अच्छा आपके पास दिमाग रहेगा उतना ही अच्छा आप क्या करोगे? नैतिकता दर्शाओगे। अगर आपके पास दिमाग है तो जाहिर सी बात है आप किसी का सम्मान कैसे करना है, मुझे किस प्रकार से नैतिकता दर्शाना है, ये आपके पास रहेगा, ठीक है। तो वो क्या करता है? सहयोग करता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, दंड और आज्ञा पालन। कोहलबर्ग अभिविन्यास प्याजे के, मतलब कोहलबर्ग जो है
वो भी किसके बारे में बताया, दंड और आज्ञा पालन। तो ये उसका पहला जो पूर्व परंपरागत अवस्था पढ़े हैं हम लोग, उसी में पढ़े दंड एवं आज्ञा पालन, ठीक है। तो अभिविन्यास प्याजे को, अब प्याजे भी क्या दिया है, जैसे प्याजे कोहलबर्ग नैतिक विकास दिए हैं, उससे भी पहले प्याजे ने, सबसे पहले नैतिक विकास किसने दिया है, तो प्याजे ने दिया है। और प्याजे भी क्या बोल रहे हैं, नैतिक विकास के बारे में बात कर रहे हैं, और कोहलबर्ग भी नैतिक विकास के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो कोहलबर्ग का दंड और आज्ञा पालन का जो नैतिक विकास है, वो प्याजे के किस अवस्था के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो प्याजे का एक अवस्था है जिसको बोला जाता है पहले ही अवस्था, बाहरी सत्ता पर आधारित अवस्था, ठीक है। प्याजे तीन प्रकार की अवस्थाओं के बारे में बताया है, एक है नैतिक समानता, एक विषय विधिक नैतिकता, ये उसका पहली अवस्था है जिसको बाहरी सत्ता पर आधारित नैतिकता के नाम से जाना जाता है, बाहरी सत्ता पर आधारित नैतिकता, ठीक है, आधारित नैतिकता। इसी को किस नाम से जाना जाता है, विषम विधिक नैतिकता के नाम से जाना जाता है। और ये जो बाहरी सत्ता पर आधारित नैतिकता है, वही कौन सा है, दंड और आज्ञा पालन कोहलबर्ग का सिद्धांत है। इसीलिए इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, बी, विषम विधिक नैतिकता, ठीक है। प्याजे विषम विधिक नैतिकता में न्याय और दंड की बात करता है, सजा की बात करता है, न्याय और सजा की, जिसको बच्चे से सवाल करता है, और बच्चे सजा और न्याय को न बदलने वाली प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। बच्चे का कहना है कि सजा और न्याय जो है वो कोई अदृश्य शक्ति, जैसे कि भगवान या कोई पावरफुल आदमी जैसे कि माता पिता, ठीक है, शिक्षक, इनके द्वारा क्या किया जाता है, नियम और कानून को बनाया जाता है, ठीक है। और नियम और कानून जो होते हैं वो न बदलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा माना जाता है। अगर तुम गलती किए हो तो तुमको दंड मिलेगा, ये प्याजे के अनुसार बोला जाता है। इसकी अवस्था कौन सा है, बाहरी सत्ता पर आधारित नैतिकता, इस पर हम लोगों ने क्लास में पूरा चर्चा किया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, विषम विधिक नैतिकता या बाहरी सत्ता पर आधारित नैतिकता। देखो, प्याजे के नैतिक विकास का कौन सा स्तर नैतिक यथार्थ यथार्थता है, क्या है, नैतिक यथार्थता कहलाता है। प्याजे के नैतिक विकास का कौन सा स्तर नैतिक यथार्थता कहलाता है, तो मैं अभी बताया तीन चीज, तीन अवस्थाएं दिया है, एक तो कौन सा, बाहरी सत्ता पर आधारित नैतिकता, दूसरा कौन सा है, नैतिक समानता स्तर, बीच के स्तर को प्याजे नैतिक समानता स्तर बोला है, ठीक है। और उसके बाद चार से, इसको बोला गया है क्या, चार से सात साल, चार से सात साल, इसको बोला गया है सात से दस साल, और इसको दस से ऊपर, ठीक है, दस से ऊपर जो स्वतंत्रता पर आधारित नैतिकता दिखाते हैं, इसको क्या बोला गया है, दस से ऊपर बोला गया, ठीक है। तो प्याजे के किस नैतिक विकास का कौन सा स्तर, ठीक है, प्याजे के नैतिक विकास का कौन सा स्तर नैतिक यथार्थता कहलाता है, तो नैतिक यथार्थता किसको बोला जाता है, ये जो पहला स्तर है ना, बाहरी सत्ता पर आधारित, या इसी को विषम विधिक नैतिकता के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आ जाएगा क्या, ए, बाहरी सत्ता पर आधारित नैतिकता, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के संवेग की विशेषता है। अब बालकों के संवेग कहने का मतलब क्या है, तो संवेग हम लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है, तो संवेग का अर्थ क्या होता है ये तो हम लोग जानते हैं। तो संवेग जो होती है, ठीक है, क्या यह क्षणिक होते हैं, यह व्यवहार में परिलक्षित होते हैं, यह तीव्र नहीं होते हैं, यह लंबे समय तक रहते हैं, ठीक है। संवेग का मतलब क्या हो गया, हमारा भाव, है ना, हमारा भाव। तो जो संवेग होते हैं तो ये लंबे समय तक रहते हैं, नहीं, ये तो गलत चीज हो गया, संवेग कभी भी लंबे समय तक नहीं होते। संवेग तीव्र नहीं होते हैं, ये भी गलत है, संवेग जो होते हैं वो तीव्र होते हैं, अचानक से बदल जाते हैं, अचानक से क्या होते हैं, आ जाते हैं। तो संवेग जो होते हैं वो क्या होते हैं, तीव्र होते हैं, परिलक्षित होते हैं, व्यवहार में परिलक्षित नहीं होते। इसका आंसर क्या होगा, ये क्षणिक होते हैं। संवेग, संवेग का मतलब जैसे हंसना, क्रोधित होना, ठीक है। तो मान लिया जाए अगर आप क्रोधित हो रहे हो तो क्या बहुत लंबे समय तक क्रोधित रहोगे क्या, नहीं, थोड़ी देर में आप किसी के ऊपर चिल्लाओगे और फिर क्या हो जाएगा, वो आप शांत पड़ जाओगे, समझ आ गया। तो ये थोड़ी देर के लिए रहता है, क्षणिक रहता है, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, यह क्षणिक होते हैं। अगला, मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार अतृप्त सामाजिक इच्छाओं का संबंध है, ठीक है, नैतिकता से, इदम से, अहम से और पर अहम से, ठीक है। ये सिगमंड फ्रायड जो मनोवैज्ञानिक है ना, उन्होंने तीन प्रकार की संरचना बताई है, जिनमें से एक संरचना है कौन सा, गत्यात्मक संरचना, ठीक है। उस गत्यात्मक संरचना में हम लोग व्यक्तित्व के विकास का अध्ययन करते हैं, और उस व्यक्तित्व के विकास में हम जो सिगमंड फ्रायड है वो तीन प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं,
कौन सा एक इदम, दूसरा अहम और तीसरा पर अहम, ठीक है। तो इसमें जो इदम है ना, इदम, ये जो इदम होता है ये अतृप्त, ठीक है, अतृप्त इच्छाओं का, सामाजिक इच्छाओं का क्या होता है, संबंध होता है। अतृप्त सामाजिक इच्छाओं का मतलब ये होता है कि जो इदम है, इदम वाला जो व्यक्ति है ये एक्चुअल में जन्म से होता है, ठीक है, जन्म से पाया जाता है और इसको शैशवावस्था में ज़्यादा लिया जाता है। कब लिया जाता है? शैशवावस्था, शैशवावस्था में इदम का गुण पाया जाता है, जन्म से शैशवावस्था तक के, ठीक है। तो जो इदम होता है इसको अपनी जो इच्छा है, अपनी जो आवश्यकता है उसकी तुरंत पूर्ति चाहिए, ठीक है, उसको क्या चाहिए, वो अतृप्त है, मतलब वो किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं है। उसको अगर कोई चीज़ इच्छा हुआ तो उसको उस इच्छाओं की पूर्ति जो है वो क्या चाहिए, तुरंत का तुरंत चाहिए। इसके लिए क्या गलत है, क्या सही है, सामाजिक मूल्य जो होता है, सामाजिक नैतिकता जो होती है, इससे उसको कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। वो सामाजिक मूल्यों पर विचार नहीं करता, क्या गलत है क्या सही है उससे उसको कोई मतलब नहीं, जो उसको इच्छा हुई उस इच्छा की आवश्यकता की पूर्ति उसको तुरंत चाहिए। इसीलिए इसकी इच्छा जो होती है वो क्या होती है, अतृप्त होती है, ठीक है, अतृप्त, वो तृप्त नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इदम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, बालकों के व्यक्तिगत विभेद का मुख्य कारक है विद्यालयों की गुणवत्ता, माता पिता की शिक्षा, शारीरिक भिन्नता और मानसिक गुण, ठीक है। तो बालकों के व्यक्तिगत विभेद का मुख्य कारक, वैसे तो सारे जो गुण हैं वो क्या हैं, व्यक्तिगत विभेद के कारण हैं, ठीक है, तो सारे गुण व्यक्तिगत विभेद के कारण हैं, लेकिन जो मुख्य कारक है वो कौन सा है, मानसिक गुण। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, मानसिक गुण। आगे देखो, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है, इसमें चार कथन दिए हुए हैं, चार में से कोई एक कथन जो है वो क्या है, सही है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित। व्यक्तिगत विभिन्नता, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है, सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती, ये तो गलत बात है, ठीक है, कुछ कुछ समानता होती है। आज हम लोग बुद्धि लब्धि को भी क्या करते हैं, माप सकते हैं, और बुद्धि लब्धि को मापने पर भी क्या हो सकता है, उसका जो बुद्धि लब्धि है वो समान आ सकता है ना। कई लोग जुड़वा बच्चे होते हैं जिनमें चेहरा जो होता है वो सेम होता है, ठीक है, हाइट बच्चों का, अगर किसी का हाइट 160 सेंटीमीटर है तो दूसरे का भी हाइट 160 सेंटीमीटर हो सकता है, तो ऐसा नहीं होता कि कुछ भी समानता नहीं होता, ठीक है। तीसरा क्या है, अधिगम व्यक्तिगत विभिन्नता के वक्र खींचने दिखावे पर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है, ऐसा भी नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता वंश क्रम के कारण होता है, नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नता केवल वंश क्रम के कारण नहीं होता, ठीक है, वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का क्या होता है, परिणाम होता है। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है, मान लिया जाए दोनों के दोनों का बुद्धि स्तर औसत है 90 से 110 के बीच में है ना, 100 मान लेते हैं, तो दोनों का बुद्धि स्तर समान है तो भी उनकी उपलब्धि कहने का मतलब, अगर एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें सबका बुद्धि स्तर अगर 90 से 110 के बीच में है, ठीक है, अगर सबका बुद्धि स्तर 100 है तो भी जब उनका टेस्ट लोगे तो कोई ज़्यादा नंबर पाएगा तो कोई कम नंबर पाएगा, समझ आ गया, तो उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता दिखाई देंगी। तो इसीलिए बोला जाता है क्या, ए, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान भी है तो भी उसमें उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। तो मेंडल अपना प्रयोग किए थे, अनुवांशिकता के जनक हैं, ठीक है, और अनुवांशिकता से रिलेटेड क्या किए थे, ये प्रयोग किए थे, तो अनुवांशिकता के जनक भी इन्हीं को बोला जाता है, मेंडल को, और ये प्रयोग के लिए किस पौधे को चुने थे, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, सी, गार्डन मटर को मेंडल ने क्या किया था, अपने प्रयोग के लिए चुना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने पौधों पर प्रयोग के लिए कितने, ठीक है, कितने विषम जोड़े को चुना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मेंडल ने अपने पौधों पर प्रयोग के लिए टोटल 7 विषम जोड़ों को क्या किया था, चुना था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। अगला, भाषा एवं विचार के संबंध में अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, भाषा एवं विचार के संबंध में अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो भाषा एवं विचार के, जब आप भाषा एवं विचार वाला टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें एक अनुबंधन का सिद्धांत आता है, जिसको किसने दिया है, स्किनर ने, अनुबंधन के सिद्धांत में स्किनर के कार्य जो है वो क्या है, प्रशंसनीय है, जिसने पुनर्बलन पर जोर देकर के क्या किया है, भाषा को समझाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाषा के स्तर नहीं है,
तो भाषा के स्तर नहीं है, स्वनिम, रूपिम, अर्थविन्यास और अनुकरण, ये जो अनुकरण है ना ये भाषा के स्तर नहीं है। अनुकरण जो है वो क्या है, भाषा सीखने की विधि है। क्या है? भाषा सीखने की विधि है, ठीक है। भाषा सीखने की क्या है? ये विधि है। अनुकरण करके हम क्या कर सकते हैं, भाषा को सीख सकते हैं, लेकिन ये भाषा का स्तर नहीं है। भाषा का स्तर है स्वनिम, रूपिम और अर्थविन्यास, और एक होता है वाक्य विन्यास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वनिमों के जैसे, मतलब स्वनिमों का ऐसा सबसे छोटा अनुक्रम जो कोसी या, ये आकस्मिक लिखा गया, ये है व्याकरणिक। क्या है? व्याकरणिक। कोसी या व्याकरणिक दृष्टि से सार्थक होता है, ठीक है। स्वनिमों के जैसे ऐसा सबसे छोटा अनुक्रम जो कोसी या व्याकरणिक दृष्टि से क्या होता है, सार्थक होता है, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो जो कोसी या व्याकरणिक दृष्टि से सार्थक होता है उसको बोला जाता है क्या, रूपिम, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, रूपिम। यहां तक के समझ आया? चलो देखो अगला क्वेश्चन, सामान्य बुद्धि बालक किस अवस्था में बोलना सीख जाता है। सामान्य बुद्धि जो बालक होता है वो किस अवस्था में प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है। तो सामान्य बुद्धि बालक जो होता है, इसका आंसर आएगा कब, 34 माह में लगभग जो बालक होता है वो प्रायः बोलना सीख जाता है, ठीक है। 34 माह कहने का मतलब 36 माह, ठीक है। तो 12 या 36, 3 साल से लगभग पहले, है ना। तो ये है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। यहाँ पे मानसिक आयु को क्या कर रहा है, पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है, मानसिक आयु को, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, वास्तविक आयु। तो यहाँ पर 16 वर्षीय बच्चा बोल रहा है, मतलब बच्चे का उम्र क्या है, 16 वर्षीय, तो इसका वास्तविक आयु क्या हो गया, 16 वर्ष, ठीक है। और गुणा क्या करते हैं, 100 करते हैं, इक्वल में क्या रखते हैं, बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि कितना बोल रहा है, उसका बुद्धि लब्धि परीक्षण में कितना अंक प्राप्त किया है, 75 अंक। इसको जब सॉल्व करेंगे तब कितना आएगा आंसर, तो 25 तिया और 25 चौक 4 एकम 4 चौक, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। तो मानसिक आयु बराबर कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 12 वर्ष, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन, सही चुनिए। सही में देखो, सही चुनिए, तो इसका पहला जो है उसमें देखना, इसमें से कोई एक आंसर है जो क्या है, सही है, ठीक है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत, ये वाला बुद्धि टॉपिक से क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, थार्नडाइक ने। पदानुक्रमिक सिद्धांत, ये थॉमसन ने, ठीक है, थॉमसन ने। त्रितंत्र सिद्धांत, रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने। और पास सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, लियोनी। तो इनमें से कौन सा सही है, ये पूछ के आ रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो क्या बहुबुद्धि सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया है, नहीं दिया है। थार्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है, बहुकारक सिद्धांत, ठीक है, बहुकारक सिद्धांत। और बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है, गार्डनर का, ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है, गार्डनर का, ठीक है। पदानुक्रमिक सिद्धांत थॉमसन का, गलत। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसका है, वर्णन का, ठीक है, वर्णन का है पदानुक्रमिक सिद्धांत। पास सिद्धांत जो है, पास सिद्धांत को देने वाले का नाम है जेपी दास, ठीक है। और जो त्रितंत्र सिद्धांत है वो उसको किसने दिया है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है। बाकी आगे चलते हैं, देखो गलत कथन को चुनिए, ठीक है। इसमें से हमको गलत कथन को क्या करना है, चुनना है। अस्तित्ववादी बुद्धि की संकल्पना 1998 में दी गई है, ठीक है। बुद्धि मूल रूप से 7 प्रकार की बताई गई है। प्रकृतिवादी बुद्धि की संकल्पना हावर्ड गार्डनर ने की थी। और बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारक होता है, ये कौन बोल रहा है, गार्डनर, ठीक है, ये कौन बोल रहा है, गार्डनर। मतलब ये पूछ किसके बारे में रहा है, गार्डनर के बारे में। गार्डनर कौन सा सिद्धांत दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। तो उस बहुबुद्धि के सिद्धांत में पूछ रहे हैं कि वो कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, ठीक है। तो उसने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, टोटल उसने बुद्धि बताई है 9 प्रकार, ठीक है। टोटल बुद्धि का कितना प्रकार बताया है, 9। इस 9 प्रकार में जो 7 प्रकार है वो पहले मूल रूप से दिया गया था। सबसे पहले कितना प्रकार दिया गया था, 7 प्रकार। 7 प्रकार के बाद जो 8वां प्रकार है,
ठीक है। ये आठवां प्रकार 1998 में दिया गया, 1900 कब दिया गया इसको, 98 में। और ये आठवां प्रकार जो है वो कौन सा है, प्रकृतिवादी बुद्धि है, ठीक है, प्रकृतिवादी बुद्धि है। और उसके बाद जो नौवां प्रकार है, इस नौवां प्रकार को सन 2000 में दिया गया है, और 2000 में कौन से बुद्धि का सिद्धांत दिया है, अस्तित्ववादी बुद्धि के बारे में बताया है, अस्तित्ववादी बुद्धि के बारे में। तो देखो क्या बोल रहा है, ये नौवां प्रकार है और अस्तित्ववादी बुद्धि के बारे में बताया गया सन 2000 में। तो अस्तित्ववादी बुद्धि की संकल्पना 1998 में दी गई है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, गलत कथन को चुनिए, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अस्तित्ववादी बुद्धि की संकल्पना 1998 में दी गई थी, जबकि ये कब दिया गया है, 2000 में। और बुद्धि मूल रूप से सबसे शुरू में जब बुद्धि का प्रकार बताया गया था हावर्ड गार्डनर के द्वारा, तो कितने रूप बताए गए थे, मूल रूप से 7 रूप को बताया गया था। प्रकृतिवादी बुद्धि की संकल्पना हावर्ड गार्डनर ने दी है, तो हाँ दी है। जो आठवां प्रकार है 1998 में वो कौन सी है, प्रकृतिवादी बुद्धि की संकल्पना। और बुद्धि का जो स्वरूप होता है वो एकांकी नहीं होता, जबकि क्या होता है, बहुकारक होता है, ये कौन बताया है, एक कारक ना हो करके बहुकारक होता है, ये कौन बताया है, गार्डनर, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा, इसका आंसर ए, और यहाँ तक के क्वेश्चन हो गया, ठीक है, यही लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ तक कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे आने वाली जो क्वेश्चन का सीरीज जो हम लोग लाएंगे उसमें और भी महत्वपूर्ण जो सारे क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखेंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक के बाय।